2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की चुनाव आयोग ने की समीक्षा। मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने बढ़ाया 1 घंटे का समय। उत्तराखंड में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ। पुष्कर सिंह धामी को युवा शक्ति युवा सोच का बताया। कहा उत्तराखंड को पुष्कर सिंह धामी आगे लेकर जाएंगे। कांग्रेस में मचा घमासान। देहरादून प्रदेश कार्यालय में ही भिड़े कार्यकर्ता। हरीश रावतकों के समर्थकों और राजेंद्र शाह के बीच हुई झड़प। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ की गई मारपीट। लक्सर कोतवाली के सुल्तानपुर चौकी पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी तस्कर के कब्जे से 9 ग्राम से अधिक स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 2000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन किया बरामद। रुड़की मेयर के खिलाफ पार्षद हुए लामबंद। पार्षदों ने कहा कमीशन के चक्कर में मेयर कोई भी नए टेंडर नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई बोर्ड की बैठक बुला रहे। आलू से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर गिरा। पंजाब से आलू लेकर बाईपास के रास्ते हरिद्वार जा रहा था ट्रक। भगवानपुर हरिद्वार बाईपास पर बड़ा हादसा होते होते टला। जनपद पौड़ी सहित प्रदेश भर में हड़ताल पर बैठे राजस्व निरीक्षक व उप निरीक्षक। 4 सूत्री मांग पूरी न होने पर हड़ताल को देंगे उग्र रूप। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किया गया मैराथन दौड़ का आयोजन। दर्जन भर बालक और बालिकाओं ने लिया भाग। उत्तराखंड की अलग जगाने वाले इंद्रमणि बडोनी की जयंती आज। देहरादून घंटाघर में इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने पुष्पांजलि व माल्यार्पण कर लोकगीत गाए। देहरादून एसपी सिटी सरिता डोभाल ने प्रेस वार्ता कर 18 वर्षीय युवती की हत्या का किया खुलासा। लड़की के 2 सगे भाइयों और भाभी को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा में उमड़ा भारी जनसैलाब। तिलवाड़ा में रोड शो के बाद अगस्त मुनि में की गई जनसभा। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज़।